सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपकी खादमा को जिंदान से निकाल कर उन्हें कमरे में नजर बंद कर देते हैं, ताकि आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए। आप उन अफसरान को रिहा करने के बाद इस कागज पर लिखे पते पर भेज दीजिएगा, वहां फी अदा पहले से मौजूद होंगी। इंशाल्लाह नतीजा हमारी तवक्को के मुताबिक होगा। और याद रखें, अब आप कोई कानूनी दस्तावेज दस्तखत नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते और ना ही कोई कारोबार कर सकते हैं। फौरन गिरफ्तार कर लो इनको। जनाब कसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे, किसने गिरफ्तार किया? रूफी सफीर ने सुल्तान मौसम। मगर क्यों? अपने सिफारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? उसे लगा था कि वो मौत से बच जाएगा, मगर मौत खुद उसके पीछे चली आई। हमारे दरमियान खुश आमदीद। आप लोग इस तरफ से जाएंगे, राहदारी के आखिर में जंगल में से गुजरने का एक खुफिया रास्ता है, उसके बाद इस पते पर चले जाइएगा। समझ गए? जाएं। सफीर साहब, हम जनाब कसल के साथ एक अहम काम कर रहे हैं, उन्हें फौरन रिहा कर दीजिए और मुकदमा कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। माफ कीजिएगा, हमें उनके फरार होने का खदशा है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप कहें तो मैं इस मामले से पीछे हट जाता हूं, क्योंकि मैं रियासत का वफादार हूं। इजाजत चाहता हूं, आप मुझे रियासती हुक्मनामा भिजवा दीजिएगा। एक वक्त था जब जनाब करासू हमारे लिए मुखबरी करते थे। शायद वो अब भी रियासत के वफादार हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो पीछे हट सकते हैं। हमें हर सूरत जनाब कसल को सिफारत खाने से निकालना होगा, वरना हमारी मईशत को बहुत नुकसान होगा। हमें इसका कोई हल निकालना ही होगा। सब मंसूबे के मुताबिक है। हमारा सामना सुल्तान अब्दुल हमीद खान से है। हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए जनाब का रसूल। वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए हर तरह का रास्ता जरूर अख्तियार करेगा। मगर उसके हर रास्ते में रुकावट खड़ी कर देंगे हम। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था शहजादी, ये तहरीर बिदार सुल्तान की ही है। शहजादी, उस औरत को जिंदाल से निकलवाएं। तो क्या हम अपनी गलती मान लें? अगर आपने सब कुछ ठीक ना किया तो हम चाचा जान को बता देंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। लोरेंजो का बयान तमाम अखबारात में शाया हो चुका है। ताजिरों में मायूसी फैल चुकी है। सिर्फ बॉन्ड के बारे में नहीं, बल्कि
वो लोग उस्मानी बैंकों से भी अपना सरमाया निकलवा रहे हैं। नाजुक सूरत हाल है। हमें बॉन्ड वाला मामला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देना चाहिए, मगर अब बहुत देर हो गई। अगर हम जनाब कसल के मिस्र वाले कारोबार का हवाला इस्तेमाल करें तो? मसला असासों का नहीं है पाशा, हमें रकम लगानी है, और ये भी के वो रकम भी कोई मारूफ शख्स ही लगाएगा, और जनाब कसल तो इस हाल में खत तक नहीं लिख सकते। जनाब कसल को हमें हर सूरत कैद से निकालना होगा। रूसी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे पाशा, हम खुद जाकर उन्हें छुड़वाएंगे। लेकिन सुल्ताने मौसम, इस तरह तो जंग छिड़ जाएगी। एक रियासत का सिफारत खाना उसके लिए उसकी नामुस होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे पाशा, वो लोग हमें दावत देकर बुलाएंगे। कैसे, कैसा मुमकिन है? हम नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं पाशा। बरतानवी सफीर को बुलाइए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। यही है वो दो अजीम लोग जिन्होंने आपको आजादी दिलवाई, महमद तलत साहब और मनियास रफीक साहब। खुश आमदीद। शुक्रिया। आप में से एक का नाम हमने तहरीरों में पढ़ा है और दूसरा नाम हमने सड़कों पर होने वाले एहतजाज और मुखालिफ तहरीकों में सुना है। सलामत रहें। बैठिए। अब आप लोग आजाद हैं। जैसे आज आप लोग आजाद हुए हैं, इसी तरह बहुत जल्द हमारा मुल्क भी आजाद हो जाएगा। आपकी बसीरत और फरासत से हमारे साथ बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे। शायद हम में से बहुत से लोग नई हुकूमत ना देख सके, हाँ, क्योंकि हो सकता है हम में से किसी को भी कभी भी कहीं भी मार दिया जाए। लेकिन कसम खा रखी है मैंने, जो भी नतीजा हो मैं आजादी के लिए अपनी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, चाहे मुझे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। मैं आजादी के लिए कभी भी किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटूंगा। नजर रखो इस घर पे, चारों तरफ से घेर लो, अंदर यकीनन खास लोग होंगे। जो आपका हुक्म। अब हम सब एक मखसूस बहरी जहाज पर बैठकर सैलानिक जाएंगे और वहीं पर बाकी की मंसूबाबंदी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आप लोग इस रास्ते पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? चाहे जो भी हो जाए, कोई भी पीठ फेर कर नहीं भागेगा। मर जाएंगे, मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हम तैयार हैं। वक्त जाया नहीं करना चाहिए हमें, शुरू कीजिए। जो आपका हुक्म। घर खाली है शहजादे। देखा, वही हुआ, मेरा ताकुब किया जा रहा था। अगर तुम चालाकी दिखाते हुए किसी और घर में दाखिल ना हो जाती तो ये लोग हमें पकड़ चुके होते। वो शख्स बहुत खतरनाक है। खुश आमदीद सफीर साहब। बहुत शुक्रिया सुल्तान मोहसम। लगता है कि आप हिंदुस्तान वाले मामले की वजह से अब तक परेशान हैं। क्योंकि अभी तक हमारा काम वहां पर रुका हुआ है। हम मदद करना चाहते हैं अपने बरतानवी दोस्तों की, ये मसला हल कर देंगे हम। तो क्या आप ये? नहीं, हमारी बात का लोग एहतराम करते हैं। हम खलीफा हैं, वो हमारा हुक्म नहीं टालेंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। आपकी मदद करने की वजह यह है कि हम अपनी कही हुई बात से कभी पीछे नहीं हटते। बरतानवी हुकूमत आपके एहसान का बदला चुकाएगी। चुकाना भी चाहिए,
बल्कि अभी चुका दीजिए। हमारा भी एक काम करना है आपको। कैसा काम? हम आपसे खरी बात करेंगे सफीर साहब। हमारे दोस्त जनाब कसल रूसी सफारतखाने में कैद हैं। आपका ज्यादा ध्यान हिंदुस्तान वाले मामले पर था, इसलिए आप अपने बरतानवी शहरी जनाब कसल की गिरफ्तारी पर तवज्जो नहीं दे पाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते, हमें जनाब कसल को वहां से निकालना होगा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में? आपके जिंदान में एक रूसी जासूस कैद है। रूसियों ने कई बार उसका मुतालबा किया, लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। अब आप उस रूसी जासूस को फौरन रिहा कर दें, या फिर उसके फरार होने का कोई बंदोबस्त करें। जनाब कसल से इस बात का क्या ताल्लुक है? हमारे कहे पर अमल कीजिए, बाकी ताल्लुक हम खुद बना लेंगे। रूसी जासूस वहां से फरार होने के बाद रूसी सफारतखाने में पनाह लेगा। उसके बाद आप फरार होने वाले उस जासूस की मोहलिक वबाई बीमारी के बारे में एक तिब्बी दस्तावेज रूसी सफारतखाने भेजेंगे। बस आपको इतना ही करना है। जी मैं समझ गया, और उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान वाला मसला भी हल हो जाएगा। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को खबर भिजवाइए कि उनके खलीफा ने बंदरगाह वाला मामला हल करने का हुक्म दिया है। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। सालेहा सुल्तान, इस दफा आपने अपनी हद पार कर दी है। अच्छा वाकई, क्या किया हमने? इमसाल खादमा को आपने कमरे में कैद करवा दिया। आपके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं, आप ये फैसला नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। वैसे भी ये फैसला तो सुल्तान मुअज्जम ने किया है। बाबा ने देखिए, हम इमसाल खादमा को कई बरसों से जानते हैं और हमें यकीन है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये किसी और का काम है। इस महल में कोई आपका दुश्मन मौजूद है। अगर आप मदद करें तो हम साथ मिलकर उस दुश्मन को तलाश कर लेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है कि वो आपको मजीद कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आपको हमारी फिक्र है क्या वाकई? आप सिर्फ अपनी खात्मा के बारे में परेशान हैं, और बिल्कुल आपको इमसाल खात्मा की आकबत की फिक्र होनी भी चाहिए। खाला जान, आप थोड़ा और आराम कर लेती। वालिदा, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? आपा जान ठीक तो है? विरासत के बारे में मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपनी विरासत मुझे किसी को भी नहीं दे रही हूँ। हाँ? क्योंकि मेरी कोई विरासत है ही नहीं। हाँ? क्या हुआ? आप सबको क्या हो गया? हैरत हो रही है। आपकी बात का मतलब क्या है आपाचान? आपका घर और दुकानें? वो सब तो गया। मेरे शौहर के मरने से पहले कारोबारी नुकसान हो गया था। मैंने आप सबको बेखबर रखा। मगर आपने ऐसा क्यों किया? इम्तिहान कानी, मैंने आप सबको आजमाया, लेकिन कोई भी पूरा नहीं उतरा। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे हैं। मैं तो सिर्फ अपने प्यारों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई थी। और नतीजा क्या निकला? मुझे बेहद मायूसी हुई है। आयशा, अपना सामान बांध लो बेटी, कल तुम वापस जा रही हो। आप हमारे सामने एक मुलजिमा का दिफा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप जो चाहें कर ले, मुलजिम को सजा मिलकर ही रहेगी।
हमें यकीन है कि ये काम किसी और ने किया है नाइमे सुल्तान, कोई गद्दार है और वो जो हम सबके बहुत करीब है यहाँ। नाइमे बाजी, सच सामने आ गया है, इम्साल खादिमा वाकई बेगुनाह है। क्या, आपको कैसे मालूम हुआ? वहां क्यों खड़ी हैं? सामने आइए। इन्होंने खुद एतराफ किया है, बताइए इन्हें सब कुछ। मैंने किया है सब। मैंने इम्साल खादिमा पर इल्जाम लगाया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ अखबार में खबर मैंने नहीं दी और ना ही किसी को कुछ बताया। वैसे भी मुझे आपकी हवेली फरोख्त होने का इल्म नहीं था। मगर फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे सबके सामने डांटा था, मेरी बेइज्जती की थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए ऐसा किया, यानी उनका खत बदल दिया मैंने। और हमने आपकी वजह से एक बेकसूर औरत को जिंदान में डाल दिया। फौरन अपना सामान समेटे और इस महल से चली जाए, वरना हम आपको उसी जिंदान में भेज देंगे। अम्मी जान, बाबा जान, मैं आपकी अमानत यानी अपने भाई की हिफाजत न कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। मगर मैं कसम खाता हूं अपने भाई नजीब को बचा लूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को बचा लूंगा, वादा करता हूं। हमें अहम सुराग मिला था, लेकिन उन्होंने हमें चकमा दे दिया। उस काम को मुलतवी कर दीजिए बेटे, अभी आपको एक और अहम काम करना है। हमने जनाब कसल को सिफारत खाने से निकालने के लिए एक मंसूबा बनाया है। कैसा मंसूबा? बरतानवी सिफारत खाने में एक रूसी जासूस कैद है, जिसे वो रिहा कर देंगे और वो यकीनन रूसी सिफारत खाने में पनाह लेगा। फिर उस जासूस की एक तिब्बी दस्तावेज भेजी जाएगी, जिसके मुताबिक उस जासूस को एक मोहलिक वबाई बीमारी है और रूसी हमसे मदद तलब करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप सिपाहियों को लेकर तबीब का भेस बदलकर सफारत खाने जाएंगे, वहां से तमाम लोगों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और अस्पताल से जनाब कसल को फरार करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर रूसी सफीर वहां हुआ तो काम मुश्किल हो जाएगा। आप इस बारे में बेफिक्र हो जाएं, हम उन्हें यहां मसरूफ रखेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पहाड़ का सहारा मिल गया हो भाई, कई साल पहले भी ऐसा महसूस किया था। आप एक बार फिर मेरे साथ हैं तो मुझे वैसा ही महसूस हुआ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा साथ देना चाहता था, लेकिन तुम्हें तलाश नहीं कर पाया। आप बूढ़े हो गए ना, इसलिए मुझे तलाश नहीं कर पाए नादिर साहब। मैं जानता हूं कि तुम आज भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं एक बात का एतराफ करना चाहता हूं आपके सामने, मौका होते हुए भी मैंने आपको नहीं मारा, क्योंकि मुझे 25 साल पुराना वाकया याद था, जब मुझे सजा के तौर पर भूखा प्यासा कैद कर दिया गया था। तो उस वक्त आप मेरे लिए दूध लेकर आए थे। तुम्हारी सजा का आखिरी दिन था वो, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो गई थी। मुझे तुम्हें उस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हुई, दिल दुखा मेरा।
उस रात आप अंधेरे का फायदा उठाकर अपने जख्म की परवाह किए बगैर करीबी गांव से भैंस का ताजा दूध लाए थे मेरे लिए। मुझ तक पहुंचते ही आप बेहोश हो गए थे। वो दूध जो आप लाए थे उसका जायका बेमिसल था। उसके बाद आज तक जब भी मैंने दूध पिया, ना वो खुशबू थी ना ही वो जायका, उसमें आपका खुलूस और आपकी मोहब्बत शामिल थी भाई। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं। यहां खड़े होकर आप इंतजार करेंगे। मैं आपकी नाराजगी समझता हूं, लेकिन अगर आप जनाब कसल को रिहा करने का मुतालबा करना चाहते हैं आइए सफीर साहब। आपको इतना दूर खड़ा करने की वजह हरगिज भी नाराजगी नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक कसल साहब से है। बरतानवी सफीर आपको एक खबर देना चाहते हैं। हमारी कैद में मौजूद एक रूसी जासूस फरार हो गया है और उसने रूसी सिफारतखाने में पनाह ली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग हमारे सामने इस तरह बहस नहीं कर सकते। बात मुकम्मल कीजिए। बदकिस्मती से उस जासूस को एक वबाई बीमारी है और इस वजह से आप समेत सिफारत खाने का पूरा अमला बीमारी की जद में है। क्या कोई जासूस सिफारत खाने में आया है? किस किस्म की बीमारी है ये? बहुत मोहलिक। सुल्ताने मोज़म, बदकिस्मती से हमारे पास इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कोई तिब्बी इमदाद मौजूद नहीं है। हम भी अपने तबीबों की जान खतरे में नहीं डाल सकते सफीर साहब। लेकिन सिफारत खाने के अमले की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। यानी हम आपसे तबीबों को भेजने की दरखास्त करते हैं। हमने आपसे जो मुतालबा किया था आपने वो पूरा नहीं किया, लेकिन हम आपका मुतालबा जरूर पूरा करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, हम अपने तबीबों को सिफारत खाने भेज देंगे और आप महल में ही कायम कीजिए। हमारे तबीब यहीं आपका मुआयना कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शहजादी, ये लीजिए, ये जेवरात आपके लिए काफी रहेंगे। शुक्रिया शहजादी। शाबाश। आलिया सुल्तान, आप यहां पर क्या कर रही हैं? वो हम बस इनसे ये पूछने आए थे कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, और क्या काम हो सकता है हमें इनसे। हमें इजाजत दीजिए। सिमरा, क्या वाकई ये मिसाल खात्मा के साथ आपने किया है? और अगर किया भी था तो इसका एतराफ क्यों किया? मेरे जमीर ने मुझे मलामत की। जमीर ने मलामत की? क्या वाकई जमीर ने मलामत की या किसी और ने खौफजदा किया आपको? असल वजह क्या है बताइए।
मैं समझी नहीं सुल्ताना। शायद किसी ने अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए आपको इस्तेमाल किया है और इसीलिए आप खौफजदा होकर हमें सच नहीं बता रही। क्या आप नहीं जानती कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है? सिमरा, आप हमें सच बता सकती हैं। आपको इस सब के लिए किसने मजबूर किया? किसी ने भी नहीं। मैं आपको बता चुकी हूँ सुल्ताना, खत बदलने का मंसूबा मेरा अपना था। मैं चाहती थी इमसाल खादमा को सजा हो जाए। जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी करो, हमें ये जगह जल्दी खाली करनी होगी। कोई भी शख्स अंदर ना रहे। क्या हो रहा है? हमें जाना होगा। क्या मतलब, कहाँ? अस्पताल। यहाँ एक वबाई बीमारी फैलने का खतरा है। हमें आपको बचाना होगा, फिर आपको कहीं और ले जाया जाएगा। एक अधूरा काम मुकम्मल करना है। ठीक है, मैं अपनी किताब ले लूं, फिर चलते हैं। पहले हमें अस्पताल जाना होगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो, बाद में वहां से निकल जाएंगे। सुल्तान मौज़्ज़म, तबीबों को सिफारतखाने भेज दिया गया है। कोई मसला तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सुल्तान मौज़्ज़म। हमारे अमले का क्या बना? तमाम लोगों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, वहां उनका तफसील से मुआयना होगा। आपके लिए तबीब यहां बुलाया गया है। जल्द सेहत याब हो। कहाँ जाना है मुझे? उस तरफ। अच्छा, जनाब करासू को बुलाइए। जी हुकुम सुल्तान मौसम। मैं समझ नहीं पा रही सुल्ताना, ये बात सच है कि मैंने उस लड़की को डांटा था? मुझे याद है ये उस वक्त का वाक्या है जब पहले दिन हम महल आए थे। इतना वक्त गुजर चुका है सुल्ताना, उसने तब से मेरे लिए अपने दिल में बोझ पाल रखा है। उसका तो यही कहना है। नाइमे सुल्तान की हवेली के बारे में किसने खबर शाया करवाई? ये बात अभी तक मालूम नहीं हुई, लेकिन हमें यकीन है कि ये काम करने वाला महल में ही मौजूद है। आपको किस पर शक है सुल्ताना? आलिया सुल्तान पर। उस लड़की को खौफजदा करके एतराफ़े जुर्म करवाने का, और वो खबर अखबार में देने का काम भी आलिया सुल्तान ने किया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता सालिया सुल्तान। नहीं नहीं, उस दूध का जायका अलग ही था। क्योंकि उस दूध ने हम दोनों को ही जान बख्शी थी, हमें उस जैसी लज्जत अब कहीं नहीं मिलेगी। देना मगर इनके हाथों कैद ना होना। अशरफ अजीज, अशरफ
वो लोग ये चाहते हैं कि मैं उस्मान को मार दूं और उसे रास्ते से हटा दूं। उसके बाद ही उनका भरोसा जीत पाऊंगा मैं। मुझे ऐसा करना ही होगा ताकि मैं उन्हीं में शामिल होके उन्हें अंदर से तबाह कर सकूं। मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं ताकि वो मुझे देख ना पाए। आगे बढ़ो, मार डालो सबको। समझ गया कमांडर, उन लोगों ने नजर रखी हुई है हम पे। अभी वो कहीं ना कहीं से हमें देख भी रहे होंगे। नादर साहब तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम इस तरह जाहिर करना कि तुम मर गए हो। ज्यादा मत थकाना उन्हें, जानते हो ना वो बूढ़े हो चुके हैं। जो आपका हुक्म कमांडर, समझ गया मैं। हमें उन बदबख्तों से हिसाब लेना है। पंक्तियां तैयार करो। क्या हम अपने भाइयों को यहीं छोड़ जाएंगे? मुझे अपनी जान बचानी है। काश मैं वो दूध उस्मान के लिए लाया होता। वो तुमसे भी कहीं ज्यादा वफादार है। आइए जनाब करसू। जनाब करसू। सुल्ताने मुअज्जम, मेरी दुआ है अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। एक वक्त था जब आपने हमारे लिए मुखबरी की थी और उसके जरिए हमने एक बहुत बड़े मसले को हल किया था। और आपने बदले में मुझे आम मुआफी देने का वादा किया था सुल्ताने मुअज्जम। और हमने वादा पूरा किया और अपने भांजे सबहद्दीन को भी आजाद कर दिया। हम मुतजस्सिस हैं, क्या सबहद्दीन ने आपको भी हमारे खिलाफ कर दिया है? मैं समझा नहीं। आप तुबीनी वाले मामले में हमें परेशान कर रहे हैं। सुल्ताने मुअज्जम, अगर मुझे इस मामले की नजाकत का जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी भी ये कबूल न करता। मैंने तो वजीर आजम पाशा को भी बताया था कि मैं इस वकालत को फौरी रद्द कर देता हूँ। लेकिन तुबीनी कोई नया वकील भी तो ढूंढ सकता है ना। आप उस्मानियों के दोस्त हैं या फिर दुश्मन? मैं इसी सरजमीन पर पैदा हुआ, यहाँ का नमक खाया। मैं यकीनन आपका दोस्त हूँ। तो फिर तुबीनी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखिए और अगर वो आपसे कोई मुतालबा करे तो फौरन हमें खबर कीजिए। जी ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। तो फिर उन्हें अस्पताल से निकालकर बॉन्ड वाले मामले के लिए दीवाने उमूमिया के दफ्तर ले जाएं। अब ये मामला हल करना है। जैसा आपका हुक्म सुल्ताने मुअज्जम।
अब हम आपको बताते हैं कि हम तुबीनी को कब से जानते हैं जनाब करसो। जनाब कसल पर अस्पताल में गोली चलाई गई है। उसे तलाश कीजिए बेटे और उसे खरीद लीजिए। कसल साहब पर गोली उसी ने चलाई है, वो ये इतराफ करेगा। तुबीनी पाए तख्त पहुंचने वाला है रियासत से अपने पुराने कर्ज वसूल करने के लिए। तो क्या हमें उससे मिलना है? बतौर वकील जाना चाहिए। अगर आप हुक्म करें तो हम खुद इस मामले की तहकीक करना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो हम अहमद पाशा का ताकुब भी करेंगे। हम ये इतराफनामा अभी आपके सामने फाड़ देते हैं और उस जासूस को गिरफ्तार करके अपने जिंदान में डाल देते हैं, लेकिन क्या फायदा होगा हमें? हम कसल साहब को रिहा कर देंगे और उन पर शुरू हुआ मुकदमा भी खत्म कर देंगे।